और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। नमस्कार, टीवी वन इंडिया के फेस टू फेस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई की मशहूर वकील और एनिमल एक्टिविस्ट एडवोकेट विद्या जी। आइए हम उनसे सीधे रूबरू होते हैं, क्योंकि ये लंबे समय से एनिमल प्रोटेक्शन के लिए काम कर रही हैं, कई उपलब्धियां इनके नाम हैं। हम सीधे इन्हीं से रूबरू होते हैं और जानने की कोशिश करेंगे आज की इनकी किस तरह से इनका अभियान चल रहा है और अब तक ये कितना सफल हो पाई हैं और कितनी चुनौतियां। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप लंबे समय से एनिमल प्रोटेक्शन और उनके राइट्स के लिए काम कर रही हैं, कितनी चुनौती आपको लग रही है और अब तक कितनी सफलता आपको मिल पाई है? एनिमल प्रोटेक्शन का जो काम है ये डेफिनेटली इसमें बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, क्योंकि एक तो इसमें लोगों को कन्विंस करना एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी हमारे लिए चुनौती होती है कि लोग इसको भी एक काम की तरह ट्रीट करें। एनिमल्स के भी अधिकार होते हैं, पहले इस बात को समझाना ही हमारे लिए एक चुनौती है, क्योंकि उनको ये बात समझाना कि राइट टू लाइफ सिर्फ आदमियों का ही नहीं है या इंसानों का ही नहीं है, राइट टू लाइफ इज इनहेरेंट इन द ग्रांट ऑफ लाइफ इटसेल्फ, और जब कोई एनिमल पैदा होता है तो उसको वो अधिकार मिलता है, ये इसको समझाने में ये हमारी एक बहुत बड़े बहुत समय चला जाता है। और उसके बाद अभी बहुत सारी चुनौतियां हैं, हालांकि हमारे देश में कानून की कोई कमी नहीं है। अगर हम ये देखें कानून के टर्म्स में देखें तो हमारे देश में इतने अच्छे कानून हैं कि शायद पूरे विश्व में ऐसे ना हो, लेकिन प्रॉब्लम समस्या कहाँ खड़ी होती है, इम्प्लीमेंटेशन की लेकर के। हर कानून या तो क्रुएलिटी से रिलेटेड हो या कोई और समस्या हो, हर चीज़ हमारा एग्जॉस्टिव लॉ है हर चीज़ को डील करने के लिए। अगर आप मुझे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो वी हैव अ स्पेसिफिक आंसर टू दैट इन टर्म्स ऑफ लॉ, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट करना होता है तो हमारे पास बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, और यही सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने आज के दिन में। हमारे पास ये चुनौती नहीं है कि लॉ है कि नहीं, सब कुछ है लेकिन सब पेपर पे है मोस्टली, और वो इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो इम्प्लीमेंटेशन इन टर्म्स ऑफ रियल इम्प्लीमेंटेशन इज द रियल चैलेंज बिफोर अस। अब तक आपने बहुत सारा काम किया है, कुछ कई बड़े मामले भी आपने उठाए थे, कितनी सफलता आपको मिल पाई है इस मामले में और किस तरह का सहयोग मिला है लोगों से? सहयोग अगर हमारे जितने भी मामले होते हैं मैक्सिमम कोर्ट्स में चलते हैं, तो जब हम किसी भी मामले को कोर्ट में लेकर जाते हैं तो हमारा ये पहला काम होता है कि हम कोर्ट को ये बताएं कि ये कानून है, और जब ये कानून ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो कोई भी कोर्ट ये नहीं बोलती है कि ये कानून नहीं है या है, इसको इंटरप्रिटेशन का मामला ही नहीं होता है। ले देकर बात यहीं पे आ जाती है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे कराया जाए, ठीक से लागू कैसे किया जाए। सो अभी जैसे एक रिसेंट मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा कानून बना, क्योंकि ये हमेशा लोगों के बीच में आता कि जानवरों का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो एक के ऊपर एक उनको डंप कर दिया जाता है, कितनी उसमें प्रेग्नेंट गायें होती हैं, वो उनकी उनकी डिलीवरी तक उन्हीं ट्रक्स में हो जाती है और फिर उनका बच्चा कुचल के, इस तरह के इंस्टेंसेस भी हमारे सामने आते हैं। तो उनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, द ट्रांसपोर्टेशन इटसेल्फ इज वेरी वेरी क्रूएल, क्योंकि या तो ट्रांसपोर्ट करके एनिमल्स अगर स्लॉटर हाउस में जा रहे हैं कटने के लिए भी, तो स्लॉटरिंग के टाइम पे जो पेन उनको होना है वो तो होना ही है, बट एट द टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फिर वहां पहुंच के जो उनके साथ पेन एंड सफरिंग होती है प्रायर टू स्लॉटर, वो भी बहुत बड़ा मुद्दा था। तो हम लोगों ने एक कानून नया आया जो कि पहले नहीं था, वो ये कानून आया 125E का एक प्रोविजन आया मोटर व्हीकल एक्ट में, और उसमें ऐसा बताया गया कि आप जब भी किसी एनिमल को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो वो जो गाड़ी जो ट्रांसपोर्ट करेगी दैट हैज टू बी अ लाइसेंस्ड व्हीकल, और उस व्हीकल को लाइसेंस मिलेगा सिर्फ एनिमल ट्रांसपोर्टेशन के लिए। व्हाई? बिकॉज दिस व्हीकल हैज टू हैव अ परमानेंट फिक्स्चर्स, मतलब अगर आप गाय ले जाना चाहते हैं तो परमानेंट कंपार्टमेंट्स होंगे फिक्स्चर्स, उसके अंदर प्रॉपर इंतजाम होंगे, मतलब बैरिकेड्स बने होंगे उसके अंदर, मतलब आप उससे ज्यादा एनिमल्स डाल नहीं सकते। सो दैट प्रोविजन केम इनटू एग्जिस्टेंस, लेकिन उस प्रोविजन का कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, और फिर भी एनिमल्स उसी तरह ट्रांसपोर्ट होते रहे। फाइनली हमारे कुछ एडवोकेट्स ने जब RTI फाइल किया और ये इन्फॉर्मेशन निकाली कि कितने व्हीकल्स को इस प्रोविजन के अंदर में लाइसेंस दिया गया है, तो वी वर सरप्राइज टू नो कि लाइसेंस तो छोड़िए, हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर्स को ये इस कानून के बारे में कोई पता कोई जानकारी नहीं थी। सो ये एक इतना बड़ा चैलेंज है। फिर दिस मैटर वॉज टेकन टू द हाई कोर्ट,
एंड हमने कोर्ट को ये बताया कि ये चैलेंजेस हैं, तो कोर्ट ने भी फिर उनसे बहुत सारे डिटेल्स मांगे एंड फाइनली कोर्ट ने इंस्ट्रक्शंस दिया कि जितने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से सबकी बैठ के एक मीटिंग होगी और हमारी भी जो एनिमल एक्टिविस्ट हैं जो लोग इस एरिया में काम कर रहे हैं कि व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस, क्योंकि हमारे यहाँ पे मतलब कोई भी चीज इतनी बड़ी बड़ी मात्रा में भी होती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन लाखों लाख एनिमल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं हमारा, मतलब बहुत बड़ा उसका क्षेत्र भी है, तो इसलिए अब उस पर हम लोगों को मीटिंग करनी है एंड वी हैव टू एक्चुअली स्प्रेड अवेयरनेस कि ऐसा ऐसा है। और आपने रिसेंटली देखा होगा कि उसी ऑर्डर के कारण ये जो वाशी टोल नाका है अपना, उसके ऊपर हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि आप एक बोर्ड लगाएंगे वहां पे कि ये प्रोविजन है मोटर व्हीकल एक्ट में, और अगर कोई आदमी कंप्लेन करता है तो वो पनिशेबल एक्ट है उस पे, मोटर व्हीकल एक्ट में और प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट में ऑफेंस रजिस्टर होगा। सो अब ये चुनौती हमारे सामने आ गई कि वो हाईकोर्ट के बोलने के बाद वो नोटिस तो लग गया बट वो नोटिस इतना छोटा है, मतलब उसका जो पर्पस था, जो द पर्पस ऑफ द कोर्ट वाज टू स्प्रेड अवेयरनेस, और उस नोटिस के ऊपर ये भी लिखा होना चाहिए था कि अगर कोई नहीं करता है तो आप किसको कॉल करेंगे, हु इज द कॉन्टैक्ट पर्सन। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है अथॉरिटीज का कि उसको किसी तरह बस फॉर द नेम से अगर कुछ ने कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो हम वो किसी तरह से उस बस कोरम पूरा कर देंगे। सो दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज इन फ्रंट ऑफ अस। जब आपने जैसे खुद ही कहा कि जो कानून तो बहुत सारे हैं, नया कानून भी जैसे आपने कहा कि बहुत बढ़िया कानून आया, लेकिन उसको अमल करने को लेकर, उसको लागू करने को लेकर, उसको इम्प्लीमेंट करने को लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो साफ तौर पर दिख रहा है कि उसका नेग्लिजेंस है। नवी मुंबई में इस तरह की क्या व्यवस्था है, क्योंकि ये सेटेलाइट सिटी इसको कहा जा रहा है, महानगर पालिका है, सिडको है, बहुत सारे और प्रशासन है, तो किस तरह से आप देखती हैं कि यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस तरह के एनिमल क्रुएल्टी एक्ट को लेकर या कानून को पालन को कानून के पालन को लेकर कितना गंभीर दिखता है? यहाँ पर तो मुझे जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैंने अभी तक कोई ऐसा प्रोविजन, सिडको जो है उसने एक शहर डेवलप किया है बट मैंने इस शहर के डेवलप होने में कोई भी प्रोविजन एनिमल्स के लिए एज सच मेरे नॉलेज में नहीं है कि आपने कोई गौशाला बना दी है या आपने कोई शेल्टर हाउस बनाया है या आपने कोई हॉस्पिटल बना दिया है गवर्नमेंट के खर्चे पे जहां अगर एनिमल बीमार पड़े तो वहां पे लेके जाया जा सकता है। दिस इज नॉट इन माई नॉलेज। हालांकि अभी कहीं नवी मुंबई में थोड़ा कलम बोली वगैरह में रतन टाटा वगैरह के सहयोग से एक हॉस्पिटल बनने की तैयारी चल रही है बट वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वो सिडको का उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं। तो मतलब अभी भी कोई अरेंजमेंट नहीं है? नहीं, जहाँ तक उनके स्वास्थ्य का या कोई एनिमल मान लीजिए कोई बीमार पड़ जाए या सड़क पे आपने कोई एक्सीडेंट देखा तो आपके पास उसको लेकर के बॉम्बे में जो एक हॉस्पिटल है गांधी हॉस्पिटल वहां जाने के अलावा या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो चेंबूर वगैरह में कुछ होंगे वहां जाने के अलावा आपके पास सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था मुझे नहीं दिखती। एक जैसे महात्मा गांधी ने कहा था अगर किसी देश की या किसी समाज की अगर अच्छी स्थिति का अगर आपको आकलन करना है तो वहां के जानवरों की हालत को आप देख लीजिए। अगर इस पैमाने पर, इस मानक पर मैं आपको कहूं कि ये जो सिटी आप नवी मुंबई है, अगर इसका आकलन किया जाए, इसकी प्रगति का, इसके विकास का, तो आप क्या कहेंगी? महात्मा गांधी का जो कथन है वो इस आधार पे इसको लिया जाना चाहिए कि समाज में यदि किसी की स्थिति, अगर समाज की स्थिति को आंकना है या आप कितने सेंसिटिव हैं तो उसमें जो समाज में सबसे नीचे का तबका है उसको देखा जाता है। तो अभी जानवर जो है जो अपने अधिकारों के लिए खुद लड़ नहीं सकते, अगर हम उनको प्रोटेक्ट कर पाएंगे तभी हम मान सकते हैं हम सही मायने में हम तरक्की कर रहे हैं। तो अभी नवी मुंबई में तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है क्योंकि अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था, ये जो अपना एयरपोर्ट बन रहा है, एयरपोर्ट के कारण क्या हुआ कि वहाँ के बहुत सारे विलेजेस को विस्थापित किया गया कि यहाँ से उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। लेकिन जब प्रशासन ने ये कदम उठाया तो उन्होंने ना तो वहाँ के कुत्तों के लिए, क्योंकि आप जब उन लोगों को गांव से उठाकर फ्लैट में डाल रहे हैं तो उनके साथ जो कुत्ते हैं या गायें हैं या बकरियां हैं या जो भी जानवर हैं उनके जानवरों की रहने की या खाने की पीने की आप कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। अब जो जानवर ऐसे हैं जैसे गाय जिनसे किसी को लोगों को फायदा है या बकरी है उसको लोग बेच सकते हैं, उनको तो फिर भी लोगों ने उनका कुछ अरेंजमेंट कर लिया, लेकिन बाकी जो जानवर थे जैसे कुत्ते हैं या बिल्लियां हैं उनको लोगों ने वहीं छोड़ दिया और वहां से चले गए। अब वो जो जानवर थे जिनको आदत हो गई थी लोगों के साथ रहने की या उनको समय पे कुछ खाने पीने को मिल जाता था रेसिड्यू, वो बिल्कुल ही बेसहारा हो गए। और उसके बाद जब बारिश आई तो उनके लिए कोई शेड नहीं, कोई अरेंजमेंट नहीं, तो कुछ एक्टिविस्ट ने उसके लिए आवाज उठाई तो प्रशासन के पास कोई व्यवस्था नहीं। अब प्रशासन
के पास ना तो गौशाला की व्यवस्था है, ना कुत्तों के लिए व्यवस्था है, ना बिल्लियों के लिए व्यवस्था है, मतलब उनके पास ये विजन ही नहीं है कि ये जानवर भी हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है और उनके लिए भी कुछ करने की उनकी जिम्मेवारी है। जब इस तरह का डेवलपमेंट होता है तो क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए? एक एडमिनिस्ट्रेशन जो लोकल गवर्नमेंट है वो क्या इंतजाम इस तरह से पशुओं के लिए भी करे, जैसे इंसानों के लिए व्यवस्था हो उसी तरह से पशुओं के लिए व्यवस्था हो, क्या इंतजाम होने चाहिए उसके लिए? इस बारे में मेरा तो सब अपना अनुभव है कि जब तक हम लोगों को या तो वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हों या नॉर्मल जो लोग हमारे समाज के लोग हैं, जब तक हम उनको जानवरों की उपयोगिता ना बता दें या ये ना बता दें कि ये भी हमारा अभिन्न अंग है और उनको थोड़ा सेंसिटिव करें इस बारे में, अब क्या कदम उठाने चाहिए वो अपने आप वो समझ जाएंगे। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात नहीं है समझना कि अगर आप किसी को विस्थापित कर रहे हैं तो वहाँ जो जानवर है उनके लिए भी आपको व्यवस्था करनी है। सो प्रॉब्लम आपके माइंडसेट में है, आपको वो याद ही नहीं आते क्योंकि आपने कभी उनको कभी अपने समाज का हिस्सा माना ही नहीं, उनको सिर्फ ये समझा कि हमें इस्तेमाल करना है। तो माइंडसेट अगर हमारा चेंज होगा तो हमें खुद समझ में आएगा कि अगर आदमी के लिए हम घर की व्यवस्था कर रहे हैं तो इनके लिए भी कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढना है, इनके लिए भी दवा दारू की व्यवस्था होनी चाहिए। तो हमें यही करने की जरूरत है कि आपको थोड़ा सेंसिटाइज किया जाए कि दिस इशू इज नॉट ओनली ए इशू रिलेटेड टू एनिमल राइट, रादर इट्स ए इशू रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स ऑल्सो, बिकॉज आप ह्यूमन तभी हैं जब आपके अंदर कंपैशन है, अदरवाइज आप ह्यूमन है ही नहीं। एक जो बहुत सारे कानूनों की बात चलती है कि पशुओं जानवरों की सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनके खिलाफ हो रहे अत्याचार के लिए दुनिया भर के कानून बने, कुछ कानून अगर हमारे दर्शकों के लिए आप बता सकें कि कौन कौन से खास कानून हैं कि जब कोई इस तरह की चीज़ें अगर नज़र आएँ तो लोग इसके बारे में आवाज़ उठाएँ और आप तक या जो इस तरह की संस्थाएं जैसे आप काम कर रही हैं, दूसरी संस्थाएं काम कर, वहाँ तक कैसे पहुँचें? सबसे हमारे यहाँ एक सबसे इम्पोर्टेंट कानून है जो कि क्रुएलिटी को लेकर के है कि जानवरों के ऊपर क्रूरता ना हो, तो उसके लिए कानून है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960, वो 1960 में बना था और उसमें इवन किकिंग एन एनिमल ऑन द रोड इज एन ऑफेंस और उसमें बहुत सारी चीजें डिफाइंड है, क्रुएलिटी किसमें आता है, क्रुएलिटी किसको कहते हैं, ये सब डिफाइंड है, उसमें पनिशमेंट भी है, हालांकि पनिशमेंट बहुत कम है, इसको बढ़ाने की बात चल रही है और पेनाल्टी भी बढ़ाने की बात चल रही है। तो एक तो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट हो गया, उस एक्ट के अंदर में बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं, तो एक्ट के अंदर में जितने रूल्स बने हैं वो भी कानून है। उसमें आपका स्लॉटर हाउस रूल्स आता है, एनिमल ट्रांसपोर्ट रूल्स आता है, इवन आप पैर से चला के एनिमल्स को ले जाते हैं उसके लिए भी रूल्स बने हैं कि आप क्या क्या फॉलो करेंगे, कहाँ पे उनको रोकना है, कितना देर, कितनी डिस्टेंस आप एक बार में चला सकते हैं, फिर उनको पानी देना है, खाना देना है, या आप उनको गाड़ी से लेके जा रहे हैं तो उनका मुंह किस तरफ होना चाहिए, उसमें खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर जैसे मैंने आपको 125E बताया, तो नया जो मोटर व्हीकल में आया है, तो उस तरह से जानवर को के जाना है। फिर आपको उसके अलावा उसके अंदर ही काफी सारे रूल्स हैं, मतलब आप जो भी अब मान लीजिए ये लेबोरेटरीज में जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उसके बारे में रूल्स बने हुए हैं, करेक्ट। तो एक कानून तो वो हो गया, दूसरा हमारा एनिमल रिलेटेड कानून तो नहीं है, वो उसको नहीं कहेंगे, बट उसमें एनिमल प्रोटेक्शन की बात की गई है बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन प्रोटेक्शन। अभी फूड एंड सेफ्टी एक्ट है हमारा, राइट है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट इसलिए बना है ताकि हमारे लोगों को सही खाना मिल सके या उसमें कुछ मिलावट ना हो। तो उस फूड सेफ्टी में चूंकि मीट भी एक फूड प्रोडक्ट आता है, तो मैं इसलिए बता रही हूँ आपको कि जब आप आदमी को लोगों को बताएंगे कि जानवरों का प्रोटेक्शन सिर्फ उनका ही प्रोटेक्शन नहीं है, वो आपका भी प्रोटेक्शन है, तो शायद लोग इसको ज्यादा अच्छी तरह समझेंगे। सो जो स्लॉटरिंग होती है एनिमल्स की, उस फूड प्रोटेक्शन एक्ट में लिखा है कि अगर आपने एनिमल वेलफेयर का ध्यान नहीं रखा उनको स्लॉटर करते समय, तो उससे आपके हेल्थ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। बिकॉज उससे एड्रेनलिन उससे हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो आपकी बॉडी में चले जाते हैं। तो उसमें भी हमारे उसमें भी बहुत सारे कानून बने हैं कि आप पहले तो स्लॉटर करते समय एनिमल को पहले उनको बेहोश करेंगे। अच्छा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन इन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट। ये प्रोविजन स्लॉटर हाउस रूल्स में भी है, जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट है उसमें भी है, लेकिन इसमें भी बात की गई है। तो मैं इसको ज्यादा एम्फेसिस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि लोग समझेंगे कि स्टनिंग मेकिंग द एनिमल अनकॉन्शियस बिफोर बीइंग स्लॉटर्ड इज गुड फॉर योर हेल्थ आल्सो, क्योंकि जब आप वो मीट कंज्यूम करते हैं तो वो ज्यादा सेफ है और ज्यादा हेल्दी है। तो उसमें पूरा का पूरा एक चैप्टर है एनिमल वेलफेयर के बारे में। स्लॉटर हाउस रूल्स भी बोलता है कि आप एक एनिमल के सामने दूसरे को नहीं काटेंगे। अच्छा,
क्योंकि जैसे आप डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, कोई सामने चीरा लगा रहा है, तो जैसी फीलिंग आपको होती है अंदर से, यू गेट बटरफ्लाई एंड आपके वो एक्टिव हो जाते हैं हार्मोन्स, वैसे ही जानवरों को भी होती है। अच्छा। तो उससे मीट भी आपका क्वालिटी भी उसकी खराब होती है, क्रुएलिटी तो है ही, और वो सेहत के लिए भी खतरनाक, सेहत के लिए भी खतरनाक है। तो ये कानून हो गया। उसके बाद आपको मैंने 125E बता दिया। फिर अपने IPC में भी प्रोविजन है कि अगर एनिमल्स पे क्रुएल्टी हो रही है तो उनको IPC बुक किया जा सकता है। अच्छा, ना हमारे महाराष्ट्र में एक महाराष्ट्र एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट भी है। अच्छा। मापा एक्ट, जिसमें कि अगर ये सिर्फ कैटल के लिए है, काउ एंड काउ प्रजनी, तो उनके ऊपर कुछ क्रुएल्टी हो रही है या उनको आप स्लॉटरिंग के लिए कहीं लेके जा रहे हैं, तो वो प्रोविजन उसके सेक्शन अट्रैक्ट होते हैं। तो काफी सारे प्रोविजन है हमारे यहाँ पे, मतलब कानून की कोई कमी नहीं है, सिर्फ जागरूकता और उसको अमल में लाने की, जागरूकता की कमी है और जिसकी बहुत ज्यादा कमी है, ज्यादा कमी है। आपने कई मामले ऐसे आपने हैंडल किए हैं जिसमें प्रशासन और नागरिकों का बहुत ज्यादा रोल नहीं रहा है, उसमें आपने स्वयं अकेली लड़ाई लड़ी है, बहुत बार ऐसा हुआ है जो हमें सुनने में आया है। किस तरह की आप उम्मीद कर रही हैं कि जो समाज के जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, जो संस्थाएं हैं जो सामाजिक कार्यों का कार्य कर रही हैं, वो भी इस तरह से एनिमल प्रोटेक्शन के लिए आगे आए और सपोर्ट करें? एनिमल प्रोटेक्शन के लिए हम लोग जब बात करते हैं तो मेरा स्पेशली मेरा ये कंसर्न होता है कि एनिमल प्रोटेक्शन हमारे बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक समाज या एक बच्चा जो कि बाद में समाज का पार्ट होने वाला है, जब वो बचपन से ही कंपैशन सीखता है तो वो उसका बिहेवियर समाज में भी रिफ्लेक्ट होता है उसके कामों में। एक अमेरिका में रिसर्च हुआ था, उसके अनुसार जितने भी हार्डन क्रिमिनल्स हुए हैं आज तक, और उनको अगर आप उनका बैकग्राउंड देखेंगे तो दे ऑल स्टार्टेड क्रुएलिटी फर्स्ट ऑन द एनिमल्स। तो बचपन में पहले उन्होंने एनिमल्स पे क्रुएलिटी की एंड उनको इग्नोर करते वो बाद में हार्डकोर क्रिमिनल, मतलब उनका एक पैटर्न है। तो इसीलिए अमेरिका में जैसे देश में एक लोग जो भी एनिमल क्रुएलिटी के मैटर्स आते हैं उन लोगों के ऊपर एक सर्वेलेंस रखा जाता है, क्योंकि ये चांसेस होते हैं कि वो आगे चल के क्रिमिनल्स होंगे। सो इट इज सो इम्पोर्टेंट। सो मुझे लगता है कि अगर हम स्कूल्स को अप्रोच करें और उनको बताएं कि भाई ठीक है, आप जो भी आपकी जरूरतें हैं वो तो एनिमल से पूरी होती हैं। सपोज अगर मैं आज कहूं कि आप वेजिटेरियन हो जाइए तो लोग लगेंगे कि लोग ऐसा सोच सकते हैं कि आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल देयर फूड हैबिट एंड ऑल, दिस इज नॉट माय इंटेंशन, बट डेफिनेटली आपका फूड जो जनरेट हो रहा है वो किसी के मरने से हो रहा है। सो फॉरगेट अबाउट दैट, बट अगर आप ये इंश्योर कर दें सिर्फ कि ठीक है मुर्गी को तो कटना है, लेकिन बेचारी को कटने के पहले जो तकलीफ हो रही है, हाउ टू मिनिमाइज दैट पेन, कम से कम उनको हम बेहोश करके काटे, या मरने के पहले जिस तरह से उनको पकड़ के टांग देते हैं वो तो हम अवॉइड कर सकते हैं। सो वॉट एवर वी कैन अवॉइड, दैट हैज टू बी अवॉइडेड एट एनी कॉस्ट, एंड देर हैज टू बी अ सीरियस रिपरकशंस अगर कोई इसको नहीं मानता है, तो तभी हम सोच सकते हैं कि लॉ इम्प्लीमेंट होगा और चीजें सही तरीके से चलेंगी। सही तरीके से। एक आखिरी सवाल आपसे इस सिलसिले में, आपको अक्सर जब भी किसी जानवर पे या किसी पशु पे कोई अत्याचार होता है तो आपको बहुत पीड़ा होती है, आपने खुद पहल की है इसके लिए, कई बार आपने जागरूकता भी फैलाने की कोशिश की है, बतौर एक एडवोकेट आप खुद लड़ाई लड़ भी रही हैं, आपकी पीड़ा समाज तक पहुंचे, लोगों के बीच में पहुंचे, लोग ज्यादा से ज्यादा आपके साथ जुड़ सकें, इसके लिए क्या आप अपील करना चाहेंगे? मैं तो यहाँ यही अपील करना चाहूंगी कि जैसे अपने प्रैक्टिकली मैं कोई इमोशनल बात नहीं कर रही हूँ, प्रैक्टिकली हमें ये करना चाहिए कि जैसे आजकल हर सोसाइटी में कुत्ते को लेके झगड़ा होना एक ट्रेंड जैसा हो गया है। हर सोसाइटी में दो ग्रुप होता है, जो एक कुत्ते को प्यार करता है और दूसरा बोलता है कि इसको निकालना है। सो उसका रीजन ये है, जो निकालने वाले होते हैं वो भी कुत्ते के दुश्मन नहीं होते हैं, पर उनके अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं, कभी कुत्ते ने दौड़ा दिया, किसी को काट लिया, तो वो बस उसको लेकर के बैठ जाते हैं कि अब इनको निकालना ही हम एकमात्र समस्या का समाधान है, पर उनको ये पता नहीं है शायद कि ABC प्रोग्राम क्या है। सो और क्यों कुत्तों को उसी कॉलोनी में वापस रखना जरूरी है, क्योंकि ABC प्रोग्राम वो प्रोग्राम है, एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम, वो कहता है कि अगर ये पूरा रिसर्च है कि अगर आपको कुत्तों की संख्या कम करनी है और ये समस्या का समाधान करना है तो आपको कुत्तों को वापस उसी जगह पे लाना पड़ेगा उनका स्टरलाइजेशन करके, क्योंकि अगर आप उनको हटा देंगे तो दूसरे कुत्ते आके वो जगह भर देंगे, बिकॉज वो टेरिटरी होती है उनकी। सो हर सोसाइटी को अपने कुत्तों का ध्यान रखना चाहिए, 4-5 साल के अंदर वो प्रॉब्लम वो
ऑटोमेटिकली खुद ही उनकी संख्या कम हो जाएगी। तो ये सब जो चीजें हैं उनको बताना एक बहुत बड़ी बात है, और मैं चाहती हूँ कि प्रशासन अपनी तरफ से ये पहल ले। हम तो कर रहे हैं लेकिन हमारी एक सीमाएं हैं। अगर मान लीजिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हर सोसाइटी को एक लेटर लिखे और ABC प्रोग्राम के बारे में बताए और उनको बोले कि भाई कुत्तों के बारे में क्या कानून है, आप उसको अपने नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले करिए, लिफ्ट के सामने लगाइए, या आपके जो पार्क है वहां पे लगाइए, या बताइए कि इन कुत्तों को मारने से हमारा ही नुकसान होने वाला है, अगर हम कुत्तों को भगा देंगे तो फिर दूसरे कुत्ते आ जाएंगे, तो शायद ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म हो जाएगा। और कॉन्फ्लिक्ट होने से क्या होता है, जो लोग झगड़ा करते हैं वो तो ह्यूमन बींग्स है, बट फाइनली द एनिमल सफर, क्योंकि कोई गुस्से में उसको जहर दे देगा, कोई उसका पैर तोड़ देगा। तो ये जो चीजें हैं ये होनी चाहिए, प्रशासन की तरफ से अवेयरनेस होना चाहिए। सेकेंडली एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है बकरीद के टाइम पे या और भी जो बलि होती है उसके टाइम पे जो चीजें होती हैं। सो हमने देखा है कि एज पर द डेटा जो हमारे पास है, इस मुंबई में करीब 2.5 से 3 लाख एनिमल्स आउटसाइड स्लॉटर हाउस स्लॉटर होते हैं बकरीद के ओकेजन पे, जिससे बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जिनको, जैसे जेन है, वो नहीं चाहते हैं कि उनका रिलीजियस मैंडेट है, और इनफैक्ट बच्चे भी बाकी लोगों को बहुत अनकंफर्टेबल होता है, पूरा उससे पोल्यूशन होता है। सो हम लोगों ने एक पिटिशन किया था कि ये जो बकरीद जो कानून है हमारे यहाँ, कानून ऐसा कहता है कि देयर शुडंट बी एनी स्लॉटरिंग आउटसाइड द स्लॉटर हाउस इन द म्युनिसिपल एरिया। तो कोई भी स्लॉटरिंग स्लॉटर हाउस के अंदर ही होना चाहिए, उसके बाहर नहीं हो सकता। एंड इसमें लक्ष्मी नारायण मोदी का भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वेरी क्लियर जजमेंट कि एवरी स्लॉटरिंग हैज टू हैपन विद इन द स्लॉटर हाउसेस। ठीक है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे एनिमल्स लॉ का कंपेंडियम बना करके पूरे इंडिया में सर्कुलेट कराया है। अच्छा, और ये डायरेक्शन दिया है हर हाई कोर्ट को कि आप इसको मॉनिटर करेंगे। हाईकोर्ट पहले था कि एक कमिटी बनाई गई थी कि ये कमिटी होगी और ये मॉनिटर करेगी चीजों को, इम्प्लीमेंट हो रही कि नहीं। बाद में सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि मुझे हाईकोर्ट को से भी कोई लेना चाहिए या कोई जुडिशियल ऑफिसर भी होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने, मॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें हाईकोर्ट का भी रोल फिक्स किया। सो वो कमिटी बन गई, बट आई एम वेरी सॉरी टू से कि मैंने सारे हाईकोर्ट में इंडिया के RTI डाला, और मेरा एनालिसिस ये है उस बारे में जो मैंने कोर्ट में भी लगाया है कि हार्डली किसी स्टेट में वो जो कमिटी है, मॉनिटरिंग कमिटी हाईकोर्ट का, वो काम वो फुली फंक्शनल है। अच्छा, फंक्शनल ही नहीं। हाँ, मतलब नेम से कभी कभी अपीयर हो रहे, कभी कभी उनके नाम आ रहे, पूरी फंक्शनल जो इंटेंशन था सुप्रीम कोर्ट का वो अभी तक फुलफिल नहीं हो पाया। ये 5-6 साल 7 साल पुरानी बात हो गई। सो दीज आर द थिंग्स। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये समस्या इतनी गंभीर है कि ना तो कानून, ना तो सुप्रीम कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट अगर कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर संवेदनशील नहीं होता, इतना सेंसिटिव नहीं होता, तो इतना बड़ा कमेटी बनाने के लिए नहीं बोलता। लेकिन सच्चाई तो ये है, स्टेट में ना तो सरकार, ना तो हाईकोर्ट और ना तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं पशुओं जानवरों की सुरक्षा को लेकर, उसके संरक्षण को लेकर पूरी तरह संवेदनशील नहीं है। जो कानून बने हैं वो पूरी तरह से लागू नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए कानून का जो फायदा होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। दूसरी जो चीज आपने इम्पोर्टेंट जो कही है, जो बहुत ही अहम मैं समझता हूँ, कि लोगों में उस तरह की जागरूकता जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो नागरिक प्रशासन है, उसको जो फैलानी चाहिए, जैसे महानगर पालिका सीट को, वो भी नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं जो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि जानवरों को, पशुओं की सुरक्षा को लेकर आज भी जो प्रशासन है वो उतना गंभीर नहीं है जितनी उसकी भूमिका होनी चाहिए थी। और जैसा कि आपने कहा कि अब इसके लिए नए सिरे से कहीं ना कहीं इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, आप जैसे लोग इसके लिए गंभीर प्रयास कर रहे हैं, जैसा एडवोकेट विद्या ने कहा कि अब सिर्फ नागरिकों को कानून बनाने से नहीं होगा, बल्कि नागरिक और प्रशासन को भी इसमें गंभीरता से इसमें अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी, और तभी जाकर, जब तक हम जानवरों के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे, तब तक एक स्वस्थ और आदर्श समाज की स्थापना नहीं कर सकते हैं। आज की इस खास बातचीत में इतना ही। अगली बार हम फिर किसी नई शख्सियत के साथ दोबारा मिलेंगे TV1 इंडिया के इस फेस टू फेस कार्यक्रम में। नमस्कार।